हेलो फ्रेंड्स, मैं आरके पंकज चैंपियन कोचिंग सेंटर के इस वीडियो सेगमेंट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को जानकर यह बहुत खुशी होगी कि हमारे वीडियो को वॉच करने वाले जो हमारे टेली व्यूअर हैं, उनके द्वारा जितना भी मिनट हमारे वीडियो को वॉच किया जा रहा है, उसमें 5% टू 12.3% व्यूअर्स अब्रॉड में रहते हैं, अर्थात भारत में रहने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो विदेश में रहने वाले व्यूअर्स हैं, हमारे इस चैनल को चैंपियन कोचिंग सेंटर के द्वारा जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियो के द्वारा, उनको वॉच करने वाले रेगुलर व्यूअर्स में टोटल 100% में से 5 से 12 पॉइंट कुछ% जो व्यूअर्स हैं वो भारत से बाहर निवास कर रहे हैं। अब वह जिस वजह से हो, लॉकडाउन की वजह से हो या किन्हीं और वजह से हो, वो वहां के अस्थाई निवासी हो, हिंदी भाषी हो, यह अलग बात है, लेकिन यह हमारे लिए बहुत ही खुशी और आप लोगों का शुक्रिया करने का पल है कि आप हमारे चैनल को, हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी कमेंट्स, जो भी हम कंटेंट आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे आप लोग बहुत ही दिल से स्वीकार कर रहे हैं और आप अच्छे अच्छे कॉमेंट हमारे लिए, हमें प्रमोट करने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए हमारे वीडियो क्लास में करते हैं। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स को जहां जो प्रॉब्लम होता है वो किसी और वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देते हैं। मेरा यह आपसे अनुरोध है कि आप जब भी वीडियो को देखते हैं तो जिस वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम होता है या वीडियो आपको ज्यादा पसंद आती है, तो आप उस वीडियो को पर्सनली, पार्टिकुलरली आप उस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच परागण का 5वां भाग, पॉलिनेशन का 5th पार्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पर परागण की क्रिया होती है, क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है, वह कितने ग्रुप में बांटी गई है। तो मैंने आपको 2 ग्रुप बताया था, एक बतलाया था फिजिकल या ए बायोटिक और दूसरा बतलाया था बायोटिक। ए बायोटिक में मैंने आपको 2 चीजें बतलाई, पहला मैंने बतलाया हवा और दूसरा मैंने बतलाया पानी, यानी हवा के द्वारा, फिजिकल फैक्टर के द्वारा होने वाला परागण और जल के द्वारा होने वाला परागण। जबकि बायोटिक में हमने जंतु को इसका आधार बनाया और जंतु के अलग अलग प्रकार को देखते हुए उसमें मैंने आपको अनेक प्रकार के रूप में, जैसे मेलेकोफिली, इंटोमोफिली, क्रिप्टेरोफिली, मिर्मिकोफिली इत्यादि अलग अलग प्रकार में उसको बांटा, जो अगले क्लास में मैं आपको दूंगा। ये जो मेरा 5वां पॉलिनेशन से संबंधित पाठ है, इसमें मैं आपको आज एनिमोफिली के बारे में बतलाने जा रहा हूं। मित्रों, एनिमोफिली का मतलब वायु परागण होता है। वायु परागण, हवा कई प्रकार की होती है, हवा को कई नाम से हम जानते हैं, एयर है, वाइंड है, ब्रीज है, स्टॉर्म है, कई रूप में हम जानते हैं। वैसे तो हर हवा पॉलिनेशन कर सकती है, लेकिन कौन सी हवा, कौन सी वायु ज्यादा पॉलिनेशन को सक्सेस बना सकती है, इस यह बात विचारणीय है, यह परिस्थिति पर डिपेंड करता है। यहां एनिमोफिली का मतलब वायु परागण आपको बतलाया गया है, अर्थात वाइंड पॉलिनेशन इसको हम कह सकते हैं। तो वाइंड पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि जब हवा मध्यम गति से आगे बढ़ती है, तो मध्यम गति से बढ़ने वाली हवा के कारण से पॉलिनेशन की क्रिया जो होने चाहिए वो ज्यादा उसके सफल होने की संभावना रहती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैविक और अजैविक में, जो अजैविक
घटकों के द्वारा अर्थात जल और हवा के द्वारा जो परागण होते हैं, इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, कोई अगर हमसे पूछे कि जल के द्वारा परागण फूलों में ज्यादा होगा या हवा द्वारा परागण ज्यादा होगा, तो दोनों को अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हवा से आपको पॉलिनेशन जल की अपेक्षा ज्यादा होगा। ठीक है, इसका कारण मैं आपको बतलाऊंगा बाद में। अब देखिए, एनिमोफिली वायु परागण में जो है एनिमोस, पहला पॉइंट मैंने लिखा है, यह एनिमोस मतलब वाइंड एवं फिलेन अर्थात टू लव शब्द से मिलकर बना है। मतलब कहने का मतलब है कि यह जो है वायु परागण मित्रों, एक ऐसा परागण होता है जिसमें परागण करने के लिए फूल जो है वह हवा से प्रेम करते हैं, यानी हवा का वह जो है इंतजार करता है कि हवा हमारे पराग कण को हमारे पराग कोष से लेकर जाएगा और वो अस्टिग्मा पर उसको पहुंचाएगा। तो इसलिए मैंने यहां लिखा कि यह एनिमोस अर्थात विंड एवं फिलिंग टू लव शब्द से मिलकर बना है। दूसरा मैंने लिखा कि भौतिक अर्थात अजैविक कारकों में सबसे अधिक प्रचलित और अधिक होने वाला जो परागण का क्रिया है, वह परागण का क्रिया आपको वायु परागण ही होता है। यह दिशाहीन होता है। दिशाहीन क्यों होता है? क्योंकि हवा कब किस दिशा से बहेगी यह कह पाना कठिन होता है, इसलिए यह दिशाहीन परागण है। तथा जिस फूल में यह होता है वैसे फ्लावर को एनिमोफिलस फ्लावर अर्थात वायु परागित पुष्प के नाम से हम लोग जानते हैं। अब जब हवा के द्वारा परागण हो रहा है तो हवा के द्वारा परागण करने के लिए फूलों में कुछ एडेप्टेशन, कुछ विशेषताएं, कुछ अनुकूलताएं होनी आवश्यक है। अब उन पर हम एक बार दृष्टि करें तो पहला पॉइंट मैंने दिया है, फूल क्या होते हैं? रंगहीन, गंधहीन, ऑडरलेस, मकरंद रहित, नेक्टरलेस होते हैं। चूंकि अजैविक घटक है तो अजैविक घटक में कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है, इसलिए इसे फूलों की खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है। हाँ, यह अलग बात है कि फूल में कुछ बनावट होते हैं, उन बनावट के कारण से वायु परागण की जो सफलता की जो संभावनाएं हैं वह सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, या वह सफल होने का चांस जो है बढ़ने के साथ साथ इंश्योर हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है। तो मैंने यहां लिखा कि फूल रंगहीन होते हैं, यानी इसमें कोई कलर होना आवश्यक नहीं है। गंधहीन होते हैं, कोई सेंट की आवश्यकता, कोई स्मेल की आवश्यकता नहीं है, जिसको मैंने ब्रैकेट में ऑडरलेस दिया है। मकरंद रहित यानी नेक्टरलेस होते हैं। मेरे से कमेंट सेक्शन में पिछले क्लास में एक बच्चे ने मेरे वीडियो में कमेंट किया है कि सर मकरंद किसे कहते हैं? तो बच्चों, मकरंद जो है एक सुगर अर्थात कार्बोहाइड्रेट के कंपोजिशन से बना लसलसा विस्कस डेंस पदार्थ, गाढ़ा पदार्थ होता है, जिसमें मुख्य रूप से फ्रुक्टोज पाया जाता है, यानी फ्रूट सुगर पाया जाता है। हम जानते हैं कि फ्रूट सुगर जो होता है वह क्या होता है? फ्रुक्टोज के नाम से जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट की जो कैटेगरी हम पढ़ाएंगे आपको 11th क्लास में, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, उसमें आपका ये आता है सारा कुछ विवेचना के साथ। तो मैं कह रहा था कि मकरंद जो होता है एक लसलसा पदार्थ है जिसमें मुख्य रूप से सुगर फ्रुक्टोज रहता है। ठीक है, ये कहां से निकलता है? यह जो है मकरंद की ग्रंथि से निकलता है, और मकरंद ग्रंथि को हम लोग नेक्टर ग्लैंड के नाम से, या कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है अस्पर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कहां पाया जाता है? तो फूल के चार पार्ट होते हैं, काइलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, ये चार पार्ट होते हैं फूल के। सेगमेंट में आप जाइएगा, जाकर के आप देखिएगा, जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने बताया है। तो यह जो है कहां पाया जाता है? तो कोरोला के बेस पर। लेकिन कोरोला के बेस पर कोरोला इसको उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि जो स्टैमेन होते हैं अर्थात जो एंड्रोसियम होते हैं, एंड्रोसियम के बेस में, जब एंड्रोसियम को आप उखाड़िएगा, आप देखेंगे चाइना रोज को, या फिर आप किसी और पौधे को देखने के लिए जब आप उसको देखते हैं, उसका मेल पार्ट को जब उखाड़ते हैं तो उसमें चिपचिपा लसलसा कुछ पदार्थ आ जाता है आपके हाथों में, वही आपका नेक्टर है। तो यह जो है स्टामिन के बेस में पाया जाता है, और वहां नेक्टर ग्लैंड से यह स्रावित होता है, स्पर्श से यह स्रावित होता है, लेकिन इसका कॉन्टेक्ट जो है कोरोला के पास मिलता है। इसलिए कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है कि कोरोला के बेस में अर्थात
पेटल्स के बेस में आधार में मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं या वहां मकरंद मौजूद होते हैं। यह जो है मकरंद को लेने के लिए, चाटने के लिए भोजन होता है। कीटों का क्या होता है? भोजन। जैसे हमें जीने के लिए भोजन और पानी चाहिए, उसी प्रकार से मकरंद भी जो है कीटों का, जीव जंतुओं का क्या होता है? भोजन होता है, जिसको लेने के लिए आता है। इसमें कुछ जो है हार्मफुल पदार्थ भी पाए जाते हैं जो आपको नुकसान भी करता है या किसी प्रकार का एलर्जिक इफेक्ट भी उत्पन्न करता है, जैसे पोलन ग्रेन उत्पन्न करता है। ये था मकरंद के बारे में जो कि मैंने आपको जो पूछा गया था वो कमेंट सेक्शन में मैंने इसका जवाब दिया था। अब दूसरा देखिए, फूल छोटे अस्पष्ट होते हैं। फूल छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि अगर फूल भारी रहेंगे, बड़े रहेंगे, तो जब भारी और बड़े रहेंगे तो हवा उनको तोड़ सकता है, या हवा के द्वारा जो परागकण का वहां से मतलब गमन होना चाहिए, गति होनी चाहिए, उस गति में अवरोध उत्पन्न होता है, फूल को बर्बादी हो सकती है, फूल नष्ट हो सकता है। इसलिए फूल क्या होते हैं? छोटे होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पुष्प पत्तियों से ऊपर झूलते हुए, अगर फूल पत्तियों के बीच में, टहनियों के बीच में अपने आप को छिपा लेगा तो वहां तक हवा आसानी से पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए फूल क्या होते हैं? पत्तियों से बाहर निकले हुए, झूलते हुए अवस्था में रहते हैं। फूल के अनावश्यक भाग, यानी जो भाग आपके पॉलिनेशन के लिए जरूरी नहीं है, जो भाग आपका रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं है, वो भाग या तो होते ही नहीं है अथवा वो बहुत छोटे होते हैं। नर फूल उभय लिंगाश्रयी पौधों में एवं नर भाग पुंकेसर ज्यादा होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि फूल अगर द्विलिंगी है तो उस फूल में आपका नर ऑर्गन जो होता है, मेल ऑर्गन जो होता है, जिसको कि हम पुंकेसर कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं, वो ज्यादा होते हैं। और अगर पौधा द्विलिंगी है तो उसमें नर फूल जो रहेंगे वो ज्यादा संख्या में लगे हुए रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। पराग कोष बाहर निकले मुक्त डोली होते हैं। मैंने यहां भी लिखाया था कि फूल जो होते हैं वो पत्तियों से बाहर निकले रहते हैं। जब फूल बाहर निकले रहते हैं तो पराग कोष भी क्या होता है? बाहर निकला हुआ रहता है, मुक्त डोली होता है, यानी हवा में वो आराम से जो है पेंडुलम के भांति क्या हो सकता है? हिल डुल सकता है। क्योंकि अगर उसके जो तंतु होता है वो कठोर होगा तो हवा उसको क्या कर देगी? तोड़ देगी। इसलिए वो अपने आप को अनब्रेकेबल बनाए रखने के लिए वह झूलता हुआ मुक्त डोली होता है। पुंकेसर अनावृत होते हैं। अनावृत मतलब पुंकेसर किसी भी कवर से ढके हुए नहीं रहते हैं। परागकण छोटा, हल्का, वायु कोष युक्त, पंखदार, शुष्क, चिकने, नॉन स्टिकी तथा अनवेटेबल होते हैं। परागकण छोटे होते हैं। छोटे क्यों होंगे? छोटे और हल्के होंगे ताकि हवा उनको आसानी से दूर तक बहाकर ले जाए। वायु को शिफ्ट होते हैं, यानी उसपे हवा का जो होता है मात्रा भरा हुआ रहता है, हवा भरा हुआ रहने से वो हल्का हो जाता है। पंखदार होते हैं ताकि वो जो है खिदरी रहने की वजह से आराम से दूर तक जो है वो उड़ सके। रोएदार होते हैं। शुष्क होते हैं, सूखे हुए होते हैं। सूखे रहने से वजह से क्या होता है कि वह जो है कहीं चिपक नहीं सकता, आराम से जो है दूर तक उड़ करके जा सकता है। चिकने होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। कुछ शब्द जो है मैंने दो दो बार लिखा है तो इसका वजह क्या है? क्योंकि आपके जब एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है तो किन शब्द का इस्तेमाल करेगा, ये आपके जो है एग्जामिनर पर या जो क्वेश्चन सेटर जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये कहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं जो है एक ही शब्द को कभी कभी जो है दो तीन रूप में लिख देता हूं। ठीक है, जैसे नॉन स्टिकी मैंने लिखा, नॉन स्टिकी और चिकी दोनों एक ही चीज हुआ। नॉन स्टिकी मतलब जो चिपकता नहीं है, या उसको शुष्क कहेंगे। कोई चीज चिपकेगा कब? नहीं, कोई चीज तभी नहीं चिपकेगा जबकि उसके अंदर विस्कस पदार्थ, उसके ऊपर में विस्कस पदार्थ, लसलसा पदार्थ नहीं पाया जाता। तो इसमें लसलसा पदार्थ नहीं रहता है, क्या रहता है? सूखा रहता है। अनवेटेबल होता है। अनवेटेबल मतलब ये हल्का होता है, भारी नहीं होता, ऊपर ऊपर हवा के साथ ये दूर तक जा सकता है, और परागकण काफी संख्या में बनते हैं। यही वजह है कि परागकण की बर्बादी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। वर्तिकाग्र पंखदार और शाखित रोमयुक्त होते हैं। वर्तिकाग्र स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा फैला हुआ रहेगा, पंखदार रहेगा, शाखित होगा। अगर स्टिग्मा छोटा है तो कई सारे के साथ, झुंड के साथ वो जो है मौजूद रहेगा, रोमयुक्त होगा। मैं आपको ये जो है पढ़ाने के बाद जब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बनाने के दौरान मैं गूगल से कुछ आपको फूल का क्या रूप होता है वो मैं आपको डाल दूंगा, आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि एनिमोफिलस जो फ्लावर होता है उस फ्लावर का किस प्रकार से आपका बाहरी मॉर्फोलॉजिकल जो है उसका फीचर्स होता है, मॉर्फोलॉजिकल उसका रूप होता है। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसका एग्जाम्पल मैंने लिखाया एमरेंथस, कैनाबिस, कैनाबिस मतलब भांग, चिनापोडियम, कोकोनट,
डेट पाम, मेज। आपको पूछा जाता है बार बार कि मेज में जो है किसके द्वारा परागण होता है, मक्का में जिसको हम लोग भुट्टा कहते हैं, मकई कहते हैं, उसमें जो है परागण किस क्रिया द्वारा होता है, तो वायु के द्वारा परागण होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मुलबेरी, सहतूत, पॉपलर, बिल्लो, ग्रास, बंबू। बंबू क्या है? बंबू जो है बांस जिसको हम लोग कहते हैं, सबसे लंबा घास है। ज्वार, सुगर केन यानी ईख, गन्ना जिसको हम लोग कहते हैं, एप्पल, व्हीट, राइस, ये सभी में आपको हवा के द्वारा परागण होता है, अर्थात ये सभी क्या है, एनिमोफिलस फ्लावर। और ये मैं जो लिखता हूं इतना सारा चीज मैंने बतलाया है कि सभी कुछ आपके इंटर क्लास का स्टूडेंट के लिए सब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में जरूरी नहीं रह जाता है। यानी कहने का मतलब है कि उसका जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, उसका सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारी बातें लिखनी आवश्यक नहीं है, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कहां से कौन पॉइंट एग्जाम्पल उठा के पूछ देगा, ये कह पाना मुश्किल है। साथ ही साथ मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, मैं प्रयास मेरा भरसक है कि यह जितना हमारे एकेडमिक स्टूडेंट के लिए, जितना इंटर में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो, उतना ही बेनिफिशियल जो मेडिकल में बच्चे शामिल होना चाह रहे हैं, मेडिकल में शामिल होते हैं, उन सारे बच्चों के लिए फायदेमंद हो। साथ ही साथ हमारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, उनको भी यह जो है फायदा पहुंचाए, लाभ पहुंचाए, इसी बात को मैं ध्यान में रख करके इतनी सारे फैक्ट्स को आपको एक साथ इंक्लूड करके प्रस्तुत करता हूं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा वेटिंग ज्यादा हो सकता है, यानी इसमें ज्यादा आपको लगेगा कि सर बहुत ज्यादा पजल्ड कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन मुझे मेरा दायरा, चूंकि मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूं बच्चों, इसलिए यूट्यूब को फॉलो करने वाले, वॉच करने वाले ग्लोबल लेवल के लोग होते हैं, तो कब किसको क्या फायदा पहुंचा। मित्रों, अब मैं एनिमोफिली अर्थात एनिमोफिलस फ्लावर से संबंधित कुछ विशेष बातों को यहां दर्शाया हूं, जिसे मैंने नोट के रूप में लिखा है। पहला मैंने स्टार देकर लिखा है, वायु परागित पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड होता है। कुछ विशेषताएं हैं जो अलग से आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वायु परागित पुष्प होते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं, उनके प्रत्येक अंडाशय में यानी ओवरी में एक बीजांड यानी सिंगल जो है वो भ्रूण होता है। दूसरा, एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ रूप होते हैं, अर्थात पुष्पक्रम हम लोग जानते हैं इन्फ्लोरेसेंस जिसको हम लोग कहते हैं, पुष्पक्रम की परिभाषा आप लोग शायद पता होगा, 11th में पढ़ने का था। पुष्पक्रम किसको कहते हैं? तो पुष्पक्रम जो है पुष्पों के क्रम को कहते हैं, किसी शाखा पर, किसी तने पर पुष्प जिस व्यवस्था के साथ अरेंज रहते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पक्रम कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्प गुच्छे के रूप में होते हैं, जैसे मक्का, मक्का कॉनकेव आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ, इसलिए मैं यहां लिख दिया कॉनकेव। पुष्प झूलता हुआ, झूलता मतलब नीचे की तरफ पेंडुलम की तरफ लटका हुआ रहता है। स्पाइक या कैटकिन होता है, स्पाइक और कैटकिन जो लिखे हैं ये एक प्रकार का क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस के टॉपिक में पढ़ने का है। अट्रिका में एंथर तेजी से फटता है, यानी कहने का तात्पर्य होगा अट्रिका एक ऐसा फ्लावर है जिस फ्लावर का जो पराकोष है वो तेजी के साथ फटेगा। फटने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैंने आपको बताया भी कि तेज हवा के कारण, ज्यादा गर्मी के कारण, किसी भी जंतु का उसके साथ टकरा जाने की वजह से, या भित्ति में तनाव आ जाने की वजह से, भित्ति जो होती है उसकी उसकी बहुत ज्यादा उसमें टेंस हो जाता है, टेंस उत्पन्न हो जाता है, जिसके वजह से एंथर क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो जब अट्रिका का एंथर फटता है तो उसके अंदर के जो पॉलन ग्रेन है वो झटके के साथ, तेजी के साथ अंदर से बाहर निकलते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं। चारों ओर फैल जाने के मैकेनिज्म को, क्रिया विधि को गन पाउडर मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट मैंने लिखाया, दिन रात किसी भी समय वायु परागम हो सकता है, क्योंकि हवा तो निरंतर बहते रहती है, कभी मध्यम रहती है, कभी तेज रहती है, कभी अस्थिर होती है थोड़ी सी हवा, जिसका एहसास हम उतना बढ़िया से नहीं ले पाते हैं। जो सांस लेने वाली हवा वो क्या होती है, वो एयर होती है। तो दिन रात किसी भी समय वायु परागम हो सकता है।
अगला, हवा में कुछ फूलों के परागकण की उपस्थिति से, हवा में जब परागकण चलेगा आपको हवा के द्वारा, तो उसमें बहुत सारे फूल के परागकण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ फूल ऐसे हैं जिनके परागकण हमारे शरीर में कुछ बेचैनी उत्पन्न कर देते हैं, कुछ असंतुलन उत्पन्न कर देते हैं। तो वह फूल कौन कौन से हो सकते हैं? एमरेंथस, चिनोपोडियम, कास्टर, सौरघम, पोर्सोपिस, फूलों के ये सारे जो परागकण है, ये सब फूल का मैंने नाम लिखा, इन फूलों के जो परागकण है वो परागकण हमारे शरीर में एलर्जिक इफेक्ट उत्पन्न कर देते हैं, हे फीवर उत्पन्न कर देते हैं। हे फीवर में आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जबकि ब्रोंकियल एलर्जी अर्थात श्वास की जो संबंधित एलर्जी है, एलर्जी मतलब असंतुलन, जो एलर्जी है वह एलर्जी के कारण, हाइपर सेंसिटिविटी के कारण हमारे सांस लेने में जो दिक्कत आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकियल एलर्जी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि परागकण हमारे नाक के द्वारा या भोजन के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और हमारे नासा छिद्र को, हमारे नाक की जो नली है, जो श्वास की जो नली है, उस नली को ये अवरुद्ध कर देते हैं, उसको सकरा बना देते हैं, जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में जितना हवा हमको चाहिए आसानी से वो मिल नहीं पाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकियल एलर्जी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो है आपको मैंने एनीमोफिली किसे कहते हैं, एनीमोफिलस फ्लावर में कौन कौन से गुण होते हैं वो मैंने आपको पढ़ाया और मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को जो है जरूर से जरूर लाइक करें, अपने मित्रों के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच उसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कृपया आप लोगों से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे वीडियो को इतना पसंद करते हैं तो जरूर उसे आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वह न्यू वीडियो आपके पास उसका मैसेज, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप मेरे उसके रेगुलर फॉलोवर बने हुए रहेंगे। इसमें कहीं सुधार की आवश्यकता है तो आप जरूर से हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा अगले सेशन में। दोस्तों अब मैं एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा जो क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया है उसका दूसरा प्रकार अर्थात एनीमोफिली के बाद सेकंड मैं आपको हाइड्रोफिली अर्थात जल परागण पढ़ाने जा रहा हूँ। बोर्ड पर लिखा हुआ थोड़ा छोटा है इसलिए ध्यान से मेरे शब्दों को सुनेंगे और कॉपी में आप लोग लिखेंगे। मैंने लिखा है यह हाइडोर अर्थात वाटर तथा फिलिंग टू लब्ध शब्द से मिलकर बना है। चूंकि जल परागण की जो क्रिया है तो जल परागण क्रिया में फूल किसको आकर्षित करेंगे, फूल जो है किनको प्यार करेंगे, फूल जो है जल को प्यार करेंगे, क्योंकि फूल को परागण होने के लिए जल की जरूरत है, इसलिए जल के तरफ जो है क्या होते हैं ये अट्रैक्ट होते हैं या जल को अपनी तरफ क्या करते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं, यानी दोनों के बीच में संबंध होता है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते हैं, इस वजह से इसको हाइडोर अर्थात वाटर तथा फिलीन अर्थात टू लव से मिलाकर हम हाइड्रोफिली बनाए हैं। ठीक है, एक बात मैं यहां पर बता दूं, यहां आपको ये कभी नहीं मानना चाहिए कि हाइड्रोफिली जल परागण द्वारा जो फूल होते हैं जिनको जल परागण पुष्प अर्थात हाइड्रोफिलस फ्लावर कहते हैं, वो हाइड्रोफिलस फ्लावर जितने भी हैं यानी जितने भी जलीय पौधे सभी हाइड्रोफिलस नहीं होंगे। जल में पाए जाने वाले एक्वेटिक प्लांट्स में जो फूल मिलते हैं, जलीय पौधों में जो फूल होते हैं, उन सभी जलीय पौधों के फूल जल से ही परागित हो ऐसा कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि जलीय पौधों में अधिकांशतः किनके द्वारा परागण की क्रिया होती है। ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन था, चार ऑप्शन था, उनमें से एक ऑप्शन था कीट। तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि बच्चे चूंकि जल वाले पौधे हैं, जलीय पौधे हैं, तो क्या मार के आए कि जल द्वारा परागण होता है, लेकिन ऐसा गलत बात है। वहां पर जो सवाल पूछा गया था कि अधिकांश जलीय पौधों में किनके द्वारा जल
किनके द्वारा जो है परागण क्रिया होती है, तो ये जान लीजिए कि अधिकांश जलीय पौधों में कीटों के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा जल परागण होता है, अर्थात वह एक्वेटिक प्लांट होते हुए भी इंटोमोफिलस फ्लावर उनमें पाए जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, कई जलीय पौधे जैसे जल हाइसिंथ, जलीय लिली जिसको मुकुदनी कहते हैं, में जल परागकणों का बेहतर स्थानांतरण नहीं कर पाते। ये सब ऐसे जलीय पौधे हैं जो कि जल के द्वारा उनमें परागकणों का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, इसलिए किसके द्वारा परागण होता है, हवा के द्वारा या कीटों के द्वारा। मैंने यहां लिख भी दिया है, मेंशन भी कर दिया है। अधिकतर जलीय पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों द्वारा परागित होते हैं। यह क्वेश्चन आपको स्टेट लाइन पूछा हुआ था। अगला है जो एनसीईआरटी में आपको मेंशन किया गया है, पोटा मोजीटोन तथा मिर्मी फिलम, मिरियो फिलम, ये मिरियो फिलम और पोटा मोजीटोन ये ऐसे एक्वेटिक प्लांट हैं जिन एक्वेटिक प्लांट में हवा के द्वारा परागण होता है, यानी ये एनिमोफिलस फ्लावर को अपने पास रखे हुए रहते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा में नर युग्मक का परिवहन तथा निषेचन जल के माध्यम से होता है, यानी ये ऐसे निम्न श्रेणी के पौधे हैं, पादप श्रेणी में आते हैं, जो कि आपको जल के द्वारा क्या करते हैं, निषेचन भी करते हैं और परागण भी करते हैं। एलिस्मा निम्फिया में कीट के द्वारा परागण होता है। देखिए ये सब मैंने जो लिखाया है ये सब जलीय पौधे हैं, लेकिन इसको लिखाने के पीछे कारण क्या है, ताकि आप समझ सके कि जलीय पौधे होते हुए भी कौन से कीट के द्वारा परागण करता है और कौन से हवा के द्वारा परागण करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको विस्तार के साथ लिखाया। अब देखिए, जो हाइड्रोफिलस फ्लावर होंगे, जल के द्वारा परागित फूल होंगे, उनमें कौन से अनुकूलताएं या विशेषता पाई जाएंगी, किस चीजों को वो धारण किए रहेंगे, किस विशेषता को वो अपने पास रखेंगे जिसके वजह से वह जल परागण कर सके। तो देखिए, फूल छोटे होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, रंगहीन, गंधहीन, मकरंद रहित होते हैं, जो मैंने पिछले भी बार आपको जो पढ़ाया था जल वायु परागण, उसमें मैंने बताया था, क्योंकि वायु या जल ये समय सेंस ऑर्गन नहीं होता है, तो जब सेंस ऑर्गन होता ही नहीं तो फूल के रंग से, सुगंध से, मकरंद से उसको क्या लेना देना है। ये फूल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, स्पष्ट होते हैं, ताकि हवा या पानी की तरंगे उनको स्पष्ट आसानी से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सके, कैरी कर सके। दूसरा हम देखेंगे, परागकण छोटा होता है, हल्का होता है, शुष्क होता है, यानी सूखा हुआ होता है, मोमीय परत से ढका होता है। मोमीय परत से इसलिए ढका हुआ रहता है क्योंकि पानी में पाया जाता है, पानी उनको क्या कर सकते हैं, पानी उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इसमें मोमीय परत पाया जाता है। मोमीय परत पाया जाता है, साथ ही साथ ये हल्का रहता है, यानी अनवेटेबल होता है, यानी नीचे पानी के नीचे बैठता नहीं है, पानी के तल पर ये चला आता है, पानी के करंट में आराम से बह सकता है, फ्लो कर सकता है। वर्तिकाग्र, रोमयुक्त, लंबी, अस्टिकी, अनवेटेबल अर्थात नहीं भीगने वाली होती है। वर्तिकाग्र भी जो होता है वो आपको भींग नहीं सकता है, जिसको मैंने यहां लिखा है नहीं भींग। ऐसे अनवेटेबल का मतलब होता है वेट मतलब वजन, अन मतलब नहीं, नहीं वजन वाला यानी हल्का। वर्तिकाग्र भी क्या होता है, वो हल्का होता है, ताकि पानी के लेयर के ऊपर में वो आराम से अपने आप को ला सके। नर फूल आवृत्ति होती है, यहां पर ये चीज को ध्यान रखिएगा, चौथा पॉइंट मैंने दिया है। आपको पूछा जाता है क्वेश्चन यहां से कि जलीय पौधों में जो नर फूल होते हैं, मेल फ्लावर जो होते हैं, उन मेल फ्लावर में, मेल फ्लावर मतलब एंड्रोसियम पार्ट, एंड्रोसियम में क्या क्या पाया जाता है, फिलामेंट पाया जाता है और एंथर पाया जाता है। तो नर फूल जिस पौधे में लगेगा, उस पौधे में जो वृंत है वो वृंत कैसा होगा, उसमें वृंत होगा या वृंत नहीं होगा, वृंत छोटा होगा। तो मैंने यहां क्लियर कर दिया है कि नर फूल के जो पौधे होते हैं उनमें वृंत जो है नहीं रहते हैं, और वो नर जल निमग्न होते हैं, यानी वो मर्ज होते हैं, सब मर्ज होते हैं, जल के अंदर डूबे हुए रहते हैं, जबकि मादा फूल के वृंत जो होते हैं वो लंबे होते हैं, कुंडलित होते हैं। कुंडलित इसलिए होते हैं ताकि वो अपने कुंडल को, क्वाइल को क्या कर सके, वो खोल सके, और आवश्यकता पड़ने पर जब क्वाइल उसका खुल जाता है तो उसका जो फूल होता है वो स्टाइल लंबा हो जाता है, या फूल की जो, जिस पर फूल लगा हुआ है वो शाखा क्या होती है, लंबी हो जाती है, और वो ऊपर फूल को ले आता है, जल के सतह पर ले आता है, ताकि एपी हाइड्रोफिलस या हाइपोहाइड्रोफिलस की जो प्रक्रिया है वह कंप्लीट कर सके। यानी कहने का मतलब है कि हाइड्रोफिली भी दो प्रकार के होते हैं, एपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। इसके बाद में आपको जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रोफिली जल के अंदर या जल के बाहर
जल की सतह पर या जल की सतह के भीतर जो जल द्वारा परागण की क्रिया होती है उसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक मैंने बताया हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली मतलब जब जल के भीतर यानी जल निमग्न पौधे में जल के भीतर परागण की क्रिया होती है तो उसे हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। हाइपो का मतलब हो गया अधो, हाइड्रोफिली मतलब जल परागण, जल के अंदर परागण क्रिया होना। अधो मतलब नीचे की ओर जब जल का परागण होता है, जल के द्वारा परागण होता है फूलों में तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधो जल परागण कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो जल के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं उनको हम जल निमग्न पौधे कहते हैं, अर्थात वो क्या होते हैं, सबमर्ज होते हैं। सबमर्ज मतलब आप लोग सबमरीन का नाम सुने होंगे। सबमरीन किसको कहते हैं, पनडुब्बी को कहते हैं। पनडुब्बी जो होती है उसमें दोनों कैरेक्टर होता है, पानी के अंदर समुद्र के नीचे भी चलेगी और समुद्र के सतह के ऊपर भी वो चली आती। इसलिए हमने आपको बताया कि ये क्या होता है, सबमर्ज होते हैं। इसमें एग्जांपल में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है सिरेटोफाइलम, जोस्टेरा, नाजा, सीग्रास, ये सब जो होते हैं इनमें जल के अंदर परागण क्रिया होती है। अब इनपे जो लक्षण जो विशेषताएं हैं उसको मैंने मेंशन यहाँ किया है। सिरेटोफाइलम ताजे जल में पाए जाने वाला, जल बहुत प्रकार के होते हैं। आप लोग जब इकोसिस्टम पढ़िएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि बहता हुआ जल यानी रनिंग वाटर, रुका हुआ जल अर्थात स्टैग्नेंट वाटर, मीठे पानी का जल अर्थात फ्रेश वाटर, समुद्री जल अर्थात मैरिन या साल्टी वाटर। तो वहां पर जो है मैंने यहां लिखा सेरेटोफाइलम जो होते हैं वो ताजे जल में पाया जाने वाला यानी पीने वाले मीठे जल में पाया जाने वाला जल निमग्न पौधा है, अर्थात सबमर्ज पौधा यानी जल में डूबा हुआ पौधा। जब नर फूल परिपक्व हो जाते हैं, जब नर फूल क्या होते हैं, जल के अंदर रहते हुए जब नर फूल मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं यानी अब उनके परागकोष फटने के योग्य हो जाते हैं, फटने का समय आ जाता है, तो वैसे कंडीशन में नर फूल के परागकोष टूटकर जल की सतह पर चले जाते हैं और परागकण क्या होता है, जल पर तैरने लगता है, जो कि छोटा होता है, गोल होता है, पतला भित्ति और एग्जाइन लेस होता है। इस पर एग्जाइन नहीं पाए जाते। परागकण को बतलाएं कि दो लेयर होते हैं, एक होता है एग्जाइन और एक होते हैं इंटाइन। बाहर वाले कहते हैं एग्जाइन और भीतर वाले कहते हैं इंटाइन। तो इसमें एग्जाइन नहीं पाया जाता है, परागकण जल अवशोषित कर लेता है। चूंकि इस पर एग्जाइन नहीं पाया जाएगा तो आसानी से जल क्या कर लेगा, ये अवशोषित कर लेगा और जब अवशोषण कर लेता है तो परागकण भारी हो जाता है। भारी होने के बाद जल के नीचे बैठना शुरू करता है और नीचे में जो फीमेल फ्लावर है, जो फीमेल प्लांट है, उस प्लांट के साथ, फीमेल फ्लावर के साथ वो क्या करेगा, जाकर के उसके स्टिग्मा पर ये उसको परागित कर देगा। और उसका स्टिग्मा कैसा होता है, लंबा होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है। अगला पॉइंट मैंने दिया है जोस्टेरा, समुद्र में पाए जाने वाला यानी मैरीन वाटर। ठीक है। समुद्री जल में पाए जाने वाला जोस्टेरा एक पौधा है, जल निमग्न पौधा है, आवृतबीजी पौधा है। आवृतबीजी तो यहाँ जो भी पढ़ा रहे हैं हम आवृतबीजी के अंतर्गत ही अधिकांशतः आएंगे। आवृतबीजी हम बतला ही हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना उनको आवृतबीजी कहते हैं। परागकण पानी के सतह पर तैरता है। परागकण क्या होते हैं, पानी के सतह पर तैरते हैं। जैसे ही वर्तिकाल उसके संपर्क में, पहले से ही परागकण ऊपर में तैरते रहता है, या कहिए कि नर फूल का जो होता है एंथर ऊपर में रहता है और उसके ऊपर में एंथर से क्या होते हैं, एंथर फट जाने से परागकण मुक्त हो जाते हैं और पानी के सतह पर तैरने लगते हैं। उसी समय स्टिग्मा भी क्या हो जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। चूंकि फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, वो फीमेल फ्लावर क्वाइल्ड स्टाल पर मौजूद रहता है, मुड़े हुए कुंडलित स्टाल पर मौजूद रहता है। उसका स्टाल का कुंडल खुल जाता है और वो लंबा हो जाता है, स्टिग्मा जल के सतह पर चले जाते हैं और आने के बाद वो क्या कर देते हैं, संपर्क में आ जाते हैं और परागण की क्रिया हो जाती है। सी ग्रास में मादा फूल जल के नीचे रहता है और परागण भी जल के अंदर ही मुक्त होता है, इसका जल के अंदर परागण होता है। ठीक है। ये सारा आपको हाइपोहाइड्रोफिली के बारे में पढ़ाएं। अब इसके बाद आपको आएगा एपी हाइड्रोफिली। स्टूडेंट्स हाइपोहाइड्रोफिली के बाद मैं आपको एपी हाइड्रोफिली के बारे में बताने जा रहा हूँ। एपी हाइड्रोफिली का तात्पर्य होता है अधि जल परागण। अधि जल परागण मतलब जल की सतह पर जब परागण की क्रिया होती है तो उसको अधि जल परागण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वैरी सेनेरिया, जो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल में परीक्षा में पूछा जाता है, ये वाला एग्जाम्पल।
कि वैलिसेरिया में परागण की क्रिया कहाँ होती है या फिर वैलिसेरिया का स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है वो मैंने नीचे लिखा भी है। वैलिसेरिया, हाइड्रिला, लेमना, यहाँ पर वैलिसेरिया फीचर्स मैंने मेंशन किया है। वैलिसेरिया को टेप ग्रास या इल ग्रास कहते हैं। यह एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी मतलब पौधा अलग अलग होता है, नर पौधा अलग होता है और मादा पौधा अलग होता है, जिसको हम लोग डायोसियस कहते हैं, पृथक लिंगी कहते हैं। ताजे जल में पाया जाने वाला जल निमग्न पौधा है, यानी वैलिसेरिया को टेप ग्रास या इल ग्रास कहते हैं। यह एक लिंगाश्रयी ताजे जल में पाया जाने वाला जल निमग्न पौधा है। नर पौधे से नर फूल टूटकर, नर पौधे से नर फूल टूटकर काफी संख्या में क्या होते हैं, जल के ऊपर चले आते हैं, काफी संख्या में जल के ऊपर सतह पर चले आते हैं और सतह पर पहुंचने के बाद वह फूल क्या हो जाता है, वह फूल मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। जब फूल परिपक्व हो जाता है, कौन सा फूल, नर फूल। नर पौधा जल के अंदर में डूबा हुआ है, अंदर में ही, जल के अंदर में ही पौधा डूबा हुआ रहेगा, लेकिन उस पौधे के एंथर टूट जाएंगे और टूटकर, अर्थात पौधे का जो नर जनन अंग है वह टूटकर जल के सतह पर चला आएगा और वहां पहुंचने के बाद वह मैच्योर होगा, परिपक्व होगा और जब मैच्योर होता है तो एंथर क्या हो जाता है, फट जाता है। तो नर फूल का एंथर फट जाएगा और उसके अंदर से परागकण क्या होंगे, निकल जाएंगे। और मादा फूल में क्या होता है, मादा फूल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मादा फूल जो होते हैं उसके वृंत लंबे होते हैं और वो कुंडलित होता है, तो इसमें भी मादा फूल जो होगा उसका वृंत कुंडल के जैसा क्वाइल्ड रहेगा, सर्पिलाकार रहेगा और सर्पिलाकार होने की वजह से कुंडल लंबा भी रहेगा, फिर वह कुंडल वृंत जो है लंबा भी रहेगा, फिर वह कुंडल का रूप लेकर के जल के अंदर ही डूबा हुआ रहेगा। लेकिन जब नर फूल का नर जनन अंग ऊपर पहुंचता है, जल के सतह पर पहुंचता है और वो परिपक्व होने वाला रहता है, उसी समय मादा फूल का जो कुंडल वाला वृंत है वो कुंडल वाला वृंत अपने कुंडल को खोल देगा, जिससे वृंत क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, खुल जाएंगे और वह सीधे हो जाएंगे। सीधे हो जाने की वजह से मादा फूल वह ऊपर चला आएगा, जल के सतह के ऊपर चला आएगा, उसका स्टिग्मा भी क्या हो जाएगा, मैच्योर रहेगा और मैच्योर रहने की वजह से जब परागकोष फटेंगे उसके अंदर के परागकण बाहर निकलेंगे तो वह परागकण तैरता हुआ जल के पानी के धारा के साथ बहता हुआ स्टिग्मा पर आ जाएगा, जो कि स्टिग्मा क्या होता है, प्याले के आकार का रहता है, बड़े आकार का रहता है, उस पर चलाएगा। यानी फूल जो मादा फूल है जिसका स्टिग्मा है वह स्टिग्मा क्या हो जाएगा, जल के सतह पर परागित हो जाएगा। परागित होने के बाद अब मादा फूल वहां रहेगा नहीं, मादा फूल कहां पहुंच जाएगा, वापस उसका कुंडल बन जाएगा और मादा फूल फिर जल के अंदर चला जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वैलिसेरिया में नर फूल का पूरा भाग जल के अंदर ही रहता है, नर पौधे का पूरा भाग जल के अंदर ही रहता है, ठीक है। उसका आपका एंथर, उसका मेल पार्ट टूटकर जल के सतह पर चलाता है। वैलिसेरिया में नर पौधा का पूरा भाग जल के अंदर रहता है, जब उसका नर जनन अंग टूटकर जल के सतह पर पहुंचता है वो मैच्योर होने की वजह से पराग कोष फट जाता है और पराग कण बाहर निकल आता है। जबकि वैलिसेरिया का मादा फूल का पूरा भाग जल के अंदर रहेगा, लेकिन उसमें जो मादा फूल लगा हुआ रहता है उसका तंतु, उसका वृंत जो रहता है वो कुंडल के आकार का रहता है, तो कुंडल के आकार का रहने की वजह से मादा पौधे का मादा भाग जल के अंदर ही रहेगा, लेकिन जैसे ही कुंडल खुल जाएगा मैच्योर होने के कारण तो क्या होगा, वह कुंडल खुलने की वजह से मादा फूल जल के ऊपर चला आएगा और वहां आने के बाद स्टिग्मा जल के सतह पर पहुंच जाएगा। चूंकि इसका स्टिग्मा क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, प्याले के आकार का होता है, जैसे ही नर पौधे का एंथर फटता है उसके अंदर का परागकोष जल की धारा के साथ बहते हुए स्टिग्मा पर गिर जाता है और परागण की क्रिया को संपन्न कर देता है। परागण होने के उपरांत जो मादा पौधे का मादा जनन अंग है, जो कुंडलाकार रचना थी, वो कुंडलाकार खुल गई थी, वह फिर से क्या हो जाता है, कुंडल के जैसा बन जाता है, जिसके वजह से स्टिग्मा वापस जल के अंदर समा जाता है। तो इस प्रकार से वैलिसेरिया में आपको
जल के द्वारा परागण होता है और जल की सतह पर परागण होता है। ये आपका स्टूडेंट्स मैंने आज एनिमोफिली और हाइड्रोफिली पूरा विस्तार के साथ बतला दिया था। ये मेरा एक्वेटिक फैक्टर के द्वारा किस प्रकार से, एक्वेटिक एजेंट्स के द्वारा किस प्रकार से आपका परागण की क्रिया होती है वो मैंने आज आपको कंप्लीट कर दिया। अगले वीडियो के क्लास में मैं आपको बायोटिक फैक्टर जूफिली के बारे में और जूफिली को किन किन ग्रुप में बांटा गया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार के साथ पढ़ाऊंगा। आप इसको उतारे और इसे ध्यान से पॉज करके देखें, बार बार वीडियो को रिपीट करें और अपने मित्रों में इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है चैंपियन कोचिंग सेंटर आर के पंकज। ओके, थैंक्स अ लॉट।